हेलो गाइस, माय नेम इज हर्ष एंड माय नेम इज पूर्वा। और आज हम लोग देखने वाले हैं उदंती सीता। ये ओडिया ट्रेलर है, उड़िया ट्रेलर, और इसका टीजर आ चुका था, लेकिन अभी उस पर टाइम से रिएक्शन नहीं बनाया, तो फिर अभी हमने सोचा उसका ट्रेलर ही देख लेते हैं। हम डायरेक्टली ट्रेलर ही देखेंगे, बिकॉज जो टीजर है वो मैंने देखा नहीं है, क्योंकि वो कब आ गया था दीदी ने देखा था और हम उस टाइम पे बना नहीं रहे थे। काफी ब्लॉग्स बना उस टाइम पे हम ब्लॉग्स बना रहे थे, तो हमने देखा। ब्लॉग्स भी देखिए, जैसे आप ट्रेलर्स को सपोर्ट करते हैं, नो डाउट आप हमेशा उड़िया इंडस्ट्री उड़िया मूवीज पे आपने हमेशा सपोर्ट किया था, अब हमारे ब्लॉग्स पे भी प्लीज सपोर्ट कीजिए। एंड आज हम उदंती सीता मूवी का ट्रेलर देखेंगे, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, उदंती सीता का ट्रेलर देखते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। मु एते गिरी कहली से चासो वासो छाड़ के गोटे छोटिया मोटिया व्यापार जोगाड़ कर, ये सुनुची मो कथा बुझिले बहु। मु कृषि विज्ञान पाठ पढ़ी, पाठ पढ़ी जदि चाकरी करी से पाठर मूल्य कौन रहा, जदि साधारण कृषक किसी उन्नति न करी पाली। ये आई थिंक ऐसा बोल रही है, हजार हजार टंका हमें ऋण करी चासी माने मरुचु, बैंक वाला आसी बेकरे बसिलेनी, दरकार नहीं आमर से चासवास करवा कि चाष संग्राम करवा, बहुत ही गला आम चलू ए दादन खटिया को। समग्र भारत बर्षर यह ही परिस्थिति, टंकाकिया चाउल और विभिन्न प्रकार योजना दे एम को मुह को बंद कर दिया जाऊँगी, इन्हें समस्ते अलस पलटि जाइंट, दिन आसब चाषी और चाषर महत्व तो बुझे, हेले से सब सरी जा पेट्रोल रेट बढ़ले लोक मैंने राजरास्त को ओल्ल आसुचार, भारत बंद ओडिशा बंद डाकुरा दे कोटी कोटी टंकर राजस्व दाबी कर, कृषक मान समस्या प्रति कहारी पाखे समय ना, कहीं कृषक मैंने दुख कष्ट सही शिखिंट। एठी ब्लड दरकार, ब्लड दे पार राजनीति में केते बेले कहार कौन कौठी हबो से कथा कहीं भी जानते नहीं। मने रख मत्ते गाँ गहली रो पठुआ सरल झील बाहर ना, ए सीता ततले लुहा पिंड जाली पड़ी भस्म कर दबो। आई थिंक शी इज जॉइनिंग पॉलिटिक्स। यस, जदि कृषक माने पॉलिटिशियंस हम के हेल्प के तो कुट्टा ही वर्ष चास बंद कर देबे, तापरर भयंकर परिस्थितिटा कौन हबो आपण मैंने चिंता करी पारु जंती तो? गाइस, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्रेलर था और मुझे लग रहा है कि ये मूवी से मुझे नायक वाली फीलिंग आ रही है वापस से एक बार, और आमिर खान सॉरी अनिल कपूर सर की मूवी, उसमें भी वो सीएम बनते एक दिन की ख्वाहिश करते, और इसमें भी शायद इनको सीएम ही बनाया है, या पता नहीं कौन सी पॉलिटिकल पोस्ट दी है। और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि डिस्क्रिप्शन में भी मैंने पढ़ा जो हीरोइन है सीता, ये आई थिंक पहले जाते हैं जॉब करने बाहर, उसके बाद फिर इनके दादाजी के साथ ऐसा हो जाता है। मैं एक्चुअली मैंने डिस्क्रिप्शन में पढ़ लिया था गाइस कि वो पढ़ाई कर रही एग्रीकल्चर की और उनके पापा पे ही डिपेंड रहती है, लेकिन बाद में ये होता है कि उनके पापा की डेथ हो जाती है, पापा या दादाजी पता नहीं, उनकी डेथ हो जाती है, और फिर उसके बाद
वो सीएम से बोलती है कि मुझे 3 दिन के लिए सीएम बनाया जाए और इससे मतलब वो कुछ प्रोग्रेस भी कुछ होती हो तो मूवी देख के ही पता चलेगा कि उनके 3 दिन के सीएम बनने से कुछ होता है कि नहीं। मैं ही बोल रहा हूँ, जैसे हमने दमन मूवी बनाई थी वो भी एक कॉज पे बनी हुई मूवी है, वैसे ही ये उदंती सीता भी एक कॉज पे बनी हुई मूवी है। सो आई थिंक ओडिया इंडस्ट्री में सारी मूवीज रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे ही बनती है। मतलब मोस्ट ऑफ द मूवीज जो है जो आजकल बन रही है वो ऐसे इंसिडेंट पे बन रही है ताकि रिलेवेंट रहे। तो मुझे तो इसकी स्टोरी बहुत और सही लगी। पॉइंट हम ऐसा मिस कर रहे तो प्लीज आप कमेंट में बता दीजिए, बिकॉज़ उसका कोई सबटाइटल्स नहीं था, हमें समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आ रही थी, सिर्फ डिस्क्रिप्शन ही रीड करा था हमने। बाकी तो मूवी मतलब बहुत सही है, काफी इंटरेस्टिंग थी और अच्छी स्टोरी थी। एंड उदंती सीता करके पहले भी एक मूवी आई थी जिसमें अपराजिता मोहंती और ऐसा कुछ थे, मैं वही सर्च कर रही थी तब मैंने देखा कि उदंती सीता पहले भी एक आ चुकी है काफ़ी साल पहले और ये वापस से उसी नाम से आ रही है। पहले वाली आई डोंट नो किस उस पर थी, उसका जो मेन स्टोरी मुझे नहीं पता, लेकिन ये स्टोरी बिल्कुल समझ आ रही है मुझे अच्छे से। और आप बताइए कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा। एक्चुअली इसमें ना आजकल हीरो को ही मतलब मेन नहीं प्लेस दिया जाती, इसमें तो मेन लीड में ही हीरोइन है इस मूवी में। मुझे देखो ऐसा बोलना है कि उदंती सीता जो मूवी है बिल्कुल मतलब दमन जैसी लगी, क्योंकि दमन मूवी में भी वो इंजेक्शन कुछ क्या हो जाता है उसके अंदर, वो बड़े गांव में बड़ी प्रॉब्लम होती है, बड़ी दूर दूर जाके वो लोगों का इलाज करते हैं ये वो, तो वो जो ओडिशा में हुआ होता है मलेरिया फैलता है तो उसके का ही नेचुरल कॉज है। वैसे ही यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होती होगी कि खेती से रिलेटेड कुछ दिक्कत आ गई थी तो उसमें वो शायद पॉलिटिशियन के पास गई थी हेल्प मांगने के लिए, उसने हेल्प नहीं की। ये भी कमेंट तो करके बताएं अच्छी क्या रियल स्टोरी है क्या, हाँ ये बताना। और यही था अभी, और देखते हैं ऐसी कोई मूवी और हम रिएक्शन बनाएंगे, और आप भी सजेस्ट करो हमें कोई मूवी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।